Hi all, a very good evening to all of you. Kaise ho aap sab log? Myself Chetan Garg and I welcome you all to our today's geometry session. Yaar, aaj ke lecture mein hum geometry ka ek bahut acha sa question discuss karne wale hain. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. आई एम वेरी श्योर थंबनेल देख के शायद काफ़ी बच्चों ने इसको ट्राई भी किया होगा, है ना. बाय द वे, इस क्वेश्चन के आज हम दो मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. और काफ़ी बच्चों का शायद ये हिट एंड ट्रायल से आगे होगा मे बी, बट येस टू नो बोथ द अप्रोचेस वो हम देखना चाहेंगे. तो लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन, है ना. दिस एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन. बेसिकली अ ट्राइंगल इज गिवन, लेट्स से ए बी सी इज अ ट्राइंगल, है ना. एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जैसा हमें फिगर में दिख रहे हैं ना. AD इज अ मीडियन. एक एंगल हमें 3x दिया है, एक एंगल हमें x दिया है, ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री बताया हुआ है, एंगल ADB, ठीक है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, बस इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन गिवन है. एंड ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू चेक, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ऑब्वियसली वी नीड टू टेल x, ठीक है. तो ये क्वेश्चन के हम दो अप्रोचेज देखेंगे. एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे फर्स्ट मेथड, है ना. दूसरा मेथड प्योरली ज्योमेट्रिकल होगा. तो अगर आपने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो मैं यही कहूँगा, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ईजी नहीं है, तो पॉज करो, है ना. इवन इफ आप ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच भी लगाते हो तब भी क्वेश्चन अच्छा है. थोड़े बहुत आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज आने चाहिए. एंड अगर आप ज्योमेट्रिकली लगा रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. तो उन बच्चों को जिनको कंस्ट्रक्शन का आइडिया नहीं है तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखो, है ना. आपको होपफुली इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी. ट्राई ज़रूर करो अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया. तो मैं एक बार फर्स्ट मेथड से ट्राई करना चाह रहा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच है. पहले हम इस अप्रोच को देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आपको किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल का पता होना चाहिए. तो अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है तो बाई कन्वेंशन ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी. एंड साइन रूल क्या कहते हैं, साइन रूल कहते हैं कि ए अपॉन साइन ए, ए अपॉन सामने वाले एंगल का साइन, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन सामने वाले एंगल का साइन, है ना. दैट इज इक्वल टू सी अपॉन सामने वाले एंगल का साइन. तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, साइन रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक है. उसके अलावा शायद हम मे बी इस फॉर्मूले को भी यूज़ करें, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये शायद यूज़ होगा इस क्वेश्चन में. तो कॉस सी माइनस कॉस डी, दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू टाइम्स साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, ठीक है. ये 11th में एक फॉर्मूला आता है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए चाहिए होंगी मोस्ट लाइकली, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच में. तो देखते हैं आप कैसे इसको कर सकते थे. तो अब अगर हम थोड़ा सा डायग्राम को देखें, ठीक है, अगर हम ए बी डी ट्राइंगल की बात करते हैं, इसमें हमें एक एंगल 3x दिया हुआ है और एक एंगल 45 दिया हुआ है, ठीक है. अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में, ए बी डी या ए डी सी में, ये साइड दोनों में कॉमन है और बी डी इक्वल टू सी डी तो था ही. ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, बट क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए डी अपॉन बी डी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अगेन ए डी अपॉन डी सी. बेसिकली बी डी और डी सी इक्वल थे. अब ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 180 माइनस 3x प्लस 45, ठीक है. और ये 45 एंगल, 45 डिग्री ये वाला एंगल, तो दिस एंगल शुड बी 45 माइनस एक्स, बिकॉज एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट. और हमें एक चीज़ और पता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा दैट इज एक्चुअली इक्वल टू साइन थीटा, ये भी पता है ना. तो अब अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल की बात करूँ तो ए डी अपॉन उसके सामने वाला एंगल, है ना. तो बेसिकली दैट विल बी साइन 3x, ए डी अपॉन बी डी क्या बन जाएगा, ए डी के सामने वाला एंगल साइन 3x, बी डी के सामने वाला एंगल ये, जो कि बनेगा साइन ऑफ 180 माइनस दिस, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, अभी हमने पढ़ा. तो दैट विल बी साइन ऑफ 3x प्लस 45, ये क्लियर होना चाहिए. अब अगर मैं ए डी सी ट्राइंगल में बात करता हूँ तो ए डी अपॉन डी सी ये किस चीज़ के इक्वल होगा, ए डी के सामने कौन है साइन x, अपॉन डी सी के सामने कौन था साइन ऑफ 45 माइनस x, ठीक है. तो बेसिकली साइन रूल की हेल्प से अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो सिर्फ एक्स की टर्म में है ना. अब हमें यहाँ पर बस थोड़ी सी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स दिखानी है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए. तो हम क्या करते हैं, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन 3x मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ
3x plus 45, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन है साइन बी, क्या होता है ये कॉस ऑफ ए माइनस बी विच इज कॉस ऑफ 4x माइनस 45। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, जैसे आप कॉस ऑफ ए प्लस बी करोगे तो आपको दिख जाएगा दैट इज कॉस ऑफ 45 प्लस 2x, है ना। सिमिलरली इधर 2 साइन है साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो दिस इज 2x प्लस 45 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी करोगे तो दैट विल बिकम कॉस ऑफ 4x प्लस 45। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ और इस वाली चीज़ को आप इधर ले आओ राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो अब कहानी क्या बन जाएगी, ये बन गया आपका कॉस 4x माइनस 45 प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस 45, और उधर बन गया ट्वाइस ऑफ, ये दोनों तो सेम ही है ना, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 45 प्लस 2x। मेरे ख्याल में से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 2 कॉस ए कॉस 4x इंटू कॉस बी, कॉस बी इज कॉस 45, और यहाँ पर 2 2 तो खत्म ही हो गया है ना, 2 और 2 वी कैन सेफली कैंसिल आउट। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 45 कॉस 2x माइनस साइन 45 साइन 2x। यहाँ तक मेरे ख्याल में से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर्चुनेटली जो कॉस 45 और साइन 45 के वैल्यूज होते हैं वो दोनों सेम होती है ना, कॉस 45 और साइन 45 ये सेम होता है, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा भैया इधर तो बचा कॉस 4x और उधर कॉस 2x माइनस साइन 2x, ये कहानी हमारे पास बच गई। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल में से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम यूँ करते हैं साइन 2x को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, और साइन 2x का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x। ठीक है, साइन 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे, राइट हैंड साइड पर कॉस 2x माइनस कॉस 4x। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला बताया था, है ना, तो ये एक्चुअली यहाँ से बन जाता है साइन 2x दैट इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 4x। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कॉस c माइनस कॉस d दैट विल बी ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस d बाय 2, है ना, तो दैट विल बी साइन 3x इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाय 2, तो वो बन गया साइन x। साइन एक्स को अपन कंफर्टेबली कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज एक्स कैन नॉट बी 0 और 180, है ना, तो यहाँ पर 2 2 भी खत्म हो गया। कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स साइन 3x के इक्वल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गिवन दैट ये एक्स एक ट्राइंगल का एंगल है एंड 3x भी मौजूद था, तो एक्स मस्ट बी एन एक्यूट एंगल, तो 90 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 3x, तो यहाँ से 4x इक्वल टू 90 आ रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया 22.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया भैया आंसर। ठीक है, बट ये कौन सी अप्रोच थी, ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकल अप्रोच से देखते हैं, बट देखो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच जो है वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है ना, काफ़ी सारे फॉर्मुलेज लग रहे हैं, तो अगर आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, 11th में जो जनरली आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी वाले फॉर्मुलेज है ना, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, अगर ये सब नहीं आता तो ये अप्रोच एट टाइम थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी, शायद कर भी नहीं पाओगे है ना बहुत सारे बच्चे। बट मतलब देखो अगेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज्योमेट्री का पार्ट था वो था साइन रूल से आप इस इक्वेशन को लेकर आ पाओ, अगर ये इक्वेशन आ गई फिर उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री का गेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भाई ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड व्हाट शुड बी द मेथड टू। तो ज्योमेट्री से देखते हैं क्या क्या हमें समझ में आता है। तो भाई देखो सबसे पहले तो क्या मैं ये वाला एंगल बता सकता हूँ, ये वाला एंगल होगा 45 माइनस एक्स, मेक सेंस। ये वाला एंगल कितना है 135। ठीक है, अब ये वाला एंगल 135 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल शुड बी 135 माइनस 3x। ठीक है,
बट इससे कुछ पर्पज नहीं फुलफिल होगा, क्योंकि अगर आप सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल करके देखोगे तो वो सब कुछ वो बेसिकली जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो मैथमेटिकली हमें कुछ नहीं मिला। बट यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, ये 45 माइनस एक्स है, ये 135 माइनस 3x है, तो एक्चुअली इसका 3 टाइम्स ये एंगल है ना, इसका 3 टाइम्स ये एंगल साफ दिख रहा है ना, 45 टाइम्स 3 135 और माइनस 3x हो रहा है। तो मतलब अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ तो ये वाला एंगल एक्चुअली 3 थीटा है, ठीक है। और ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर भी x और 3x है, तो कुछ कुछ शायद चीज़ें बात समझ में आए। अब कंसिडरिंग कि देखो अब यहाँ पर क्या है, हमें ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई थी है ना, तो शायद हमें कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बेसिकली हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है। ये लाइन जो बनाई मैंने, मैंने बेसिकली एक एक्स डिग्री का एक्स का एंगल बनाया। अब लेट्स से पॉइंट्स थे ये ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। अब देखो जो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अगर मैं ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई को कंसिडर करूँ, क्या एक ये एंगल एक्स, ये वाला एंगल भी एक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये साइड इक्वल, ठीक है, ये कॉमन, ठीक है, तो क्या आपको ये कॉन्ग्रेंट नज़र आएंगे? बेसिकली ये मीडियन था ना, अब ये एंगल भी दोनों इक्वल है, आइसोसेलेस्ट एक्स आइसोसेलेस्ट ट्राइंगल होने की वजह से बी डी इक्वल टू डी सी बी हो गया। अगर ये मेरी कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने बी डी एक लाइन बनाई सच दैट एंगल डी बी एक्स के इक्वल है, तो मेरी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है एंगल डी बी ई इक्वल टू एक्स। ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से दिस विल इम्प्लाई कि बी डी इक्वल टू डी सी हो गया है ना, क्योंकि बी डी सी एक आइसोसेलेस्ट ट्राइंगल दिखनी चाहिए आपको। तो अब यहाँ से आपको शायद ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट भी देखनी चाहिए, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये 90 होने का मतलब है इधर वाला भी 90, ठीक है। अब उसका एक पार्ट हमें 45 दिया हुआ था ए ई बी है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा, 45। अब ये कहानी हमें समझ में आ रही है यहाँ तक, ये 45, ये थीटा, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हमें तो एक्स चाहिए भैया, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने ए से, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली जो चीज़ है, क्या आप ये वाला एंगल बता सकते हो, ये वाला एंगल एक्चुअली बी डी सी का एक्सटर्नल एंगल है, तो ये एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x के इक्वल होगा। फर्दर एंगल ए बी ई, ए बी ई पूरा 3x था है ना, एंगल बी पर एंगल 3x है ना, एक एंगल x है, तो इतना सा पार्ट ये 2x हो गया। तो यहाँ से एक कहानी और बनी कि भैया जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है ना, जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है, दैट इज ए बी डी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस पर बी डी पर, ए से अगर मैंने बी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान लो किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा है एफ पे, अब पहली बात तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैंने बेसिकली, अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी डी, तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल थी, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, तो मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा है ना, और एज वेल एज एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला टोटल एंगल ये 4 थीटा था, तो इतना सा एंगल 2 थीटा, ठीक है। अब ये थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा, मेरे ख्याल में से ये कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। एज वेल एज लेट्स से ये पॉइंट था एम, एज वेल एज अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बी एम इक्वल टू डी एम भी है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे आप, अगर क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर अब आप ए एफ ई ट्राइंगल को देखो और उधर से पकड़ लो आप ए डी ई, ठीक है, क्या आपको थीटा थीटा इक्वल दिख रहे हैं, क्या आपको ये 45 दिखा, और ए ई दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट दिखने चाहिए। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब भैया एफ ई और डी ई बराबर हो गए, एफ ई डी ई बराबर एज वेल एज कौन बराबर हो गए, ए एफ एंड ए डी है ना, तो एफ ई और डी ई बराबर हो गए एज वेल एज ए एफ और ए डी, ये दोनों बराबर हो गए है ना। अब देखो एफ ई इक्वल टू एफ डी होने का मतलब, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ये एक 90 डिग्री था, अब एफ डी ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है
तो इस कहानी का सिंपल सा मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री होना चाहिए, सेम विद दिस एंगल 45 डिग्री। अब उसके बाद क्या ए एफ इक्वल टू ए डी आया? ठीक है, ए एफ इक्वल टू ए डी आया, ये समझ में आ रहा है। एज वेल एज अब ध्यान से देखोगे अगर, अब आपको है ना शायद ये भी दिख जाएगा कि जो ए बी एफ ट्राइंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है ए डी एफ के साथ। बहुत सारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। अब ए बी एफ ए डी एफ के साथ क्यों कॉन्ग्रुएंट है? भैया एक तो ये वाला एंगल 2 थीटा, ये वाला एंगल 2 थीटा, ठीक है, ए एफ कॉमन, ए बी और ए डी तो बराबर थे ही, ए बी और ए डी बराबर थे, ए एफ दोनों में कॉमन है और ये एंगल बाइसेक्टर था 2 थीटा 2 थीटा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब बी एफ जो है वो किसके इक्वल हो गया? डी एफ के इक्वल हो गया। बी एफ डी एफ के इक्वल होने का मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे क्या आपको डी एफ ई एक एक्सटर्नल एंगल समझ में आ रहा है बी एफ डी ट्राइंगल का? ठीक है, तो डी एफ ई एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल है बी डी एफ ट्राइंगल का, है ना, विच इज 45 डिग्री, एंड दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट। तो एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहाँ से एक्स सीधा क्या आ गया 22.5 डिग्रीज। ठीक है, तो देखो ये इस क्वेश्चन में करना था, ये ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था, एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे इस सॉल्यूशन को समझने में थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे बीच में। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको बेसिकली यू कैन वॉच द रीप्ले, एक बार फिर से देखो क्या क्या स्टेप्स थे, हर स्टेप को ध्यान से समझो, उसको अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाकर आप खुद से अपनी नोटबुक पे भी करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में सिर्फ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है, ठीक है, राइट। तो अब देखो यार, ये क्वेश्चन था हमारा, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, है ना, फाइनल आंसर हमारा है 22.5 डिग्री। अगर आप लोगों ने किसी और तरीके से किया है, लेट्स से इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने किसी और तरीके से किया है तो प्लीज़ अपना सॉल्यूशन ज़रूर शेयर करो चैट पे, ठीक है। अगर आप मुझे टेलीग्राम करना चाहते हो आप अपना सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो, दिस इज़ माई टेलीग्राम आईडी, ठीक है। एंड हैविंग सेड दैट यार, ये वाले क्वेश्चंस है ना काफ़ी फ्रिक्वेंटली आते हैं IUQM में, और मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए हमने रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया है, ओलंपियाड मैथ मास्टरी लेवल 7। तो जो बच्चे IUQM के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, और जो करंटली अभी 9th 10th या 11th में, ये बैच मेजरली उन बच्चों के लिए जो 9th 10th या 11th में है, ठीक है, तो ये बैच अभी 23rd अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ है, कुछ क्लासेस हुई हैं इसकी काइंड ऑफ, अभी हमारे 1 या 2 लेक्चर ही इफेक्टिवली लगे हैं। तो अभी भी इस बैच में एडमिशन ओपन है। बैच के हाईलाइट्स मैं बता देता हूँ, 60 लेक्चर्स होंगे इस बैच में, 60 लाइव लेक्चर्स हैं। टाइम है उनका ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को 5 PM से 6:30 PM, ठीक है। इस बैच में बहुत सारे हम IUQM पैटर्न के टेस्ट लेने वाले हैं, 9 पार्ट टेस्ट होंगे और 2 फुल टेस्ट, ये मिनिमम है, ट्रस्ट में। इसके अलावा बहुत सारी और एडिशनल क्लासेस भी होंगी, एज वेल एज बहुत सारे एडिशनल टेस्ट भी होंगे। हर लेक्चर के बाद यू विल गेट एन असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। लैंग्वेज विल बी हिंदी प्लस इंग्लिश मेजरली, ऑल द कॉन्टेंट विल बी इन इंग्लिश ओनली, बट हाँ एट टाइम्स एक्सप्लेनेशन के टाइम पर वी विल बी यूजिंग हिंदी, राइट। तो अगेन इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश। सो आई विल बी टेकिंग दिस बैच, ये बैच मैं ले रहा हूँ। इस बैच का प्राइस वॉज ऑरिजिनली 13,333, बट येस यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO एंड यू विल गेट दिस बैच एट 12,000। देखो ऑलरेडी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, ऑब्वियसली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ देम। तो अगर आप IUQM के लिए श्योर शॉट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है, सीरियस हो IUQM के लिए, और तो दिस इज द लास्ट चांस भाई, आराम से आप, क्योंकि वरना है ना बहुत लेट हो जाएगा। तो कैसे एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए लेवल 7 के लिए, है ना, आप लिंक को क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपको एनरोलमेंट पेज पर आप आ जाओगे, ठीक है। और इस बैच में हम इस टाइप के ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर थ्योरी के करेंगे, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट हम बेसिकली A to Z जितना भी आपको IUQM के लिए चाहिए काइंड ऑफ वो सारी चीज़ें हम इस बैच में पढ़ेंगे, राइट। तो वी होप यू टू गेट एनरोल्ड इन दिस बैच, एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।